हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश में 2022 का दंगल जबरदस्त हो चुका है, क्योंकि अब लड़ाई है योगी बनाम ओवैसी की। योगी ने ओवैसी का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और दावा किया है कि यूपी में बीजेपी फिर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। पंचायत चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत के बाद योगी ने कहा 2022 के चुनाव में बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। बता दें, ओवैसी की पार्टी AIMIM के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया गया था, जिसमें ओवैसी ने कहा था योगी को दोबारा यूपी का सीएम नहीं बनने देंगे। योगी ने मैसेज दे दिया है, रोक सको तो रोक लो। ओवैसी जी देश के बड़े नेता है और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जब उत्तर प्रदेश की जनता जाति मत मजहब क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठ करके आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो, तो ये सब गठबंधन कुछ नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के लोग, हमारे सहयोगी दल मिलकर के प्रचंड बहुमत के साथ इस चुनाव में फिर से 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने 300 प्लस का लक्ष्य हमारे सामने रखा है। 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आगे बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यूपी की सियासत से जुड़े हर मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ का सबसे धमाकेदार इंटरव्यू देखना ना भूलें 6:20 पर। जिला पंचायत चुनाव के नतीजों में ओवैसी के मुस्लिम कार्ड की भी होगी बात, ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।